हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अ रोप ऑफ लेंथ 13 होल 1/2 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ। हमारे पास एक रोप है जिसकी लेंथ इतनी है, क्लियर, इस टाइप से है वो। इसको हमने 9 पीसेस बना दिए, 9 पीसेस में इसको हमने डिवाइड कर दिया इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइन, 9 पीसेस बना दिए और सारे ही पीसेस बिल्कुल इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, कह रहे हैं बताओ हर एक पीस की लेंथ कितनी होगी। फ्रेंड्स, जब भी वो ईच या वन की पूछेंगे आपसे और ज्यादा की आपको दे रखी है, तो हमेशा हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, डिवाइड। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ रोप कितनी गिवेन है, 13 होल 1/2 मीटर। कन्वर्ट करेंगे 13 2 26 + 1 27/2 मीटर। कितने पीसेस बन रहे हैं हमारे, क्या लिखेंगे उसके लिए, नंबर ऑफ पीसेस इन विच रॉप इज डिवाइडेड, जिसमें रॉप डिवाइड की जा रही है। कितने पीसेस हैं, 9। तो लेंथ क्या है हर एक पीस की, क्या होगी, लेंथ ऑफ ईच पीस। हम कर देंगे टोटल लेंथ को, जितने भी पीसेस में डिवाइड किया है उसको डिवाइड कर देंगे, मीन्स 27/2 डिवाइडेड बाय 9। तो कैसे करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 लिख लेंगे और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। तो 9 1 9, 9 3 27 मीन्स कितना आया, 3/2। हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड में, तो 1 होल 1/2। हमने पीस की क्या निकाली है, हर एक पीस की लेंथ, और लेंथ की यूनिट हमें क्या दे रखी थी, मीटर। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, मीटर। क्लियर, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 5 में, 18 बॉक्सेस हैं नेल्स के, मींस आप बोल सकते हो कील, जिन बॉक्सेस 18 बॉक्स है ना, तो हर एक बॉक्स का वेट बिल्कुल इक्वल है, एंड देयर टोटल वेट जो दे रखा है 18 के 18 बॉक्सेस का, वो 49 होल 1/2 kg है। तो कह रहे हैं हर एक बॉक्स का वेट कितना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ईच, ईच मीन्स हर एक के लिए बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आपको ईच पढ़ने से पता लग गया होगा डिवाइड करना है, लैंग्वेज लिखनी, स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, बॉक्सेस कितने दे रखे हैं हमें यहां पर, 18। वेट ऑफ 18 बॉक्स, 18 बॉक्सेस का वेट कितना है, 49 होल 1/2 kg। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आएगा, 98 + 1 99/2 kg। क्लियर, हमें क्या निकालना है, ईच बॉक्स या फिर वन बॉक्स, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो क्या कर देंगे, डिवाइड, 99/2 को डिवाइड करेंगे हम 18 से, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, क्या आएगा, 99/2 मल्टीप्लाई बाय 1/18, 9 2 18, 9 11 जार, तो कितना आया, 11/2 2 4। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे, 4 से 11 को डिवाइड, 4 2 8, 3 बचेगा, तो यहां से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 होल 3/4। हमने यहां पर क्या निकाला है, ये वेट, और वेट की यूनिट हमें यहां पर क्या दे रखी थी, केजी। तो आंसर में भी हम यहां पर क्या लिख देंगे, केजी। सो दिस इज आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, बाय सेलिंग ओरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹6 होल 3/4 पर ऑरेंज, मीन्स वन ऑरेंज की जो कॉस्ट है वो 6 होल 3/4 है। एक मैन ने बहुत सारे ऑरेंजेस सेल किए हैं, तो उसके पास जो टोटल अमाउंट आई है वो ₹378 आया है। तो कह रहे हैं कि उसने कितने ऑरेंजेस सेल किए होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में भी हम हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड। तो स्टार्ट करते हैं लिखना, कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज, पर मीन्स होता है वन, क्लियर। तो कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज कितना दे रखा है, ₹6 होल 3/4। इसको कन्वर्ट करेंगे, 24 + 3 27/4 rupees। एक मैन को कितनी अमाउंट मिली है, 378। तो क्या लिखेंगे, टोटल
अमाउंट अ मैन गेट्स, ₹378। तो उसने नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेल करे होंगे कितने? डिवाइड लिखेंगे, 378 को डिवाइड करेंगे 27/4 से। इसके जो डिवाइड दे रखा है इसमें, उसको मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल। क्लियर? अब इसको कैंसिल करेंगे, 27 वन जार और ये होगा 14 से। अगर आप 3 के टेबल या 9 के टेबल से काटना चाहते हो तो उससे भी काट सकते हो। मैंने डायरेक्ट 27 से काट दिया। ओके, तो क्या आया? 14 मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। हमने क्या निकाला था? नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 56 ऑरेंजेस। मीन्स कि 378 रुपीज में उसने 56 ऑरेंजेस सेल किए होंगे, तब 1 ऑरेंज की कॉस्ट होगी 27/4। ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल सेम है ऊपर वाले की तरह। मैंगो सोल्ड किए जा रहे हैं पर केजी इतने के, तो 326 होल 1/4 रुपीज उस पर्सन को मिले हैं, तो उसने कितने वेट ऑफ मैंगोज, मीन्स कितने केजी मैंगोज सोल्ड किए होंगे? तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 केजी मैंगोज कितना है? ₹43 होल 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, मतलब प्लस इसमें 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 97, सॉरी 87, 87/2 रुपीज। ओके, वेट ऑफ मैंगोज कितना लेगा वो इतने अमाउंट में, तो मीन्स उसके पास टोटल अमाउंट इतनी आई है, तो टोटल अमाउंट ऑफ मैंगोज 326 होल 1/4। इसकी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 करेंगे, 1304/4 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है? वेट ऑफ मैंगोज। ये जो टोटल अमाउंट है इसको 1 केजी वाली अमाउंट से डिवाइड करेंगे। डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई और इसको रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे हम। अब कैंसिल करते हैं, 2 वन जार 2, 2 टू जार 4। ओके, 4 था। अब 87 वन जार 87 और ये कितनी बार में कैंसिल होगा? 15। तो कितना आया? 15/2। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स्ड में, तो 2 7 जार 14 माइनस 1। तो यहां से लिखेंगे तो क्या आएगा? 7 होल 1/2। और ये क्या है हमारे पास? वेट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वेट की यूनिट क्या है? केजी। गिवन भी आपको यहाँ पर आ जाएगा केजी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।